तो सबसे पहला ईडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है किसी ऐसी चीज पर अफसोस करना जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी से क्रिकेट मैच लिया और आप वो मैच हार गए, फिर मैच हारने के बाद अब आप अफसोस कर रहे, मैं मैच कैसे हार गया, मुझे मैच जीतना था, मैं मैच हार नहीं सकता था। यानी आप ऐसी चीज पर अफसोस कर रहे जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जो हो चुका। तो ऐसे ही अगर कोई भी कोई ऐसी चीज पर अफसोस करे जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जिसे अब चेंज नहीं किया जा सकता, जो हो चुका, तो आप उसे बोल सकते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यानी ऐसी चीज पर अफसोस मत करो जो हो चुका, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। ही इज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी वो ऐसी चीज पर अफसोस कर रहा है जिसे अब बदला नहीं जा सकता, जो हो चुका है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ऐसी चीज पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं जो हो गया, जिसे अब बदला नहीं जा सकता। यू नो आई डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तुम जानते हो मैं ऐसी चीज पर अफसोस नहीं करता जो हो चुका और जिसे अब बदला नहीं जा सकता। तो यह है हमारा पहला ईडियम, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी ईडियम जो कि और भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी, बहुत रेयर। आपको तो ब्लू मून के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। ब्लू मून 2.5 साल में सिर्फ एक बार दिखता है, यानी कभी ही कभी दिखता है, बहुत रेयरली दिखता है। तो ये idiom once in a blue moon का भी मतलब होता है कभी कभी, rarely। चलिए example sentences देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इस idiom को sentence में कैसे use करना है। That kind of chance comes once in a blue moon। ऐसे मौके कभी कभी ही आते हैं, यानी ऐसे मौके rarely आते हैं, बहुत कम आते हैं। He comes once in a blue moon। वो कभी कभी आता है, यानी वो बहुत कम आता है। That kind of miracle happens once in a blue moon। ऐसे चमत्कार कभी कभी होते हैं, यानी ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं। तो ये है हमारा आज का दूसरा idiom, once in a blue moon, यानी कभी कभी, बहुत कम। तो हमारा आज का तीसरा idiom है rain, cats and dogs। ये बहुत ही common idiom है। Rain, cats and dogs का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, heavy rain। अगर अब से बहुत जोर की बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत जोर की बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। चलिए एक दो और एग्जांपल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स व्हेन द मानसून कम्स इन इंडिया। जब हिंदुस्तान में बरसात आती है तो मूसलाधार बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। How will you go to play cricket? It's raining cats and dogs. तुम क्रिकेट खेलने कैसे जाओगे? मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। Yesterday it was raining cats and dogs. कल मूसलाधार बारिश हो रही थी, कल बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो ये है हमारा आज का तीसरा idiom, rain cats and dogs, यानी मूसलाधार बारिश, heavy rain। चौथा है आई वॉश। एक आई वॉश का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे, आंख धोना। बट ये idiom आई वॉश का मतलब होता है धोखा। जी हाँ, धोखा। जैसे बहुत से बाबा हाथ में झाड़ू, गले में माला वाला और पता नहीं क्या क्या लेकर बोलते हैं, ये कर तेरा ये हो जाएगा, वो कर तेरा वो हो जाएगा। तो वो बेवकूफ बनाते हैं, धोखा देते हैं। और अगर आपको उन्हें बोलना हो मैं जानता हूं ये धोखा है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तो आपको इंग्लिश में बस इतना बोलना है, I know this is an eyewash, यानी मैं जानता हूं ये एक धोखा है, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। द इंटरव्यू इज एन eyewash, द कैंडिडेट्स हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, यानी इंटरव्यू एक धोखा है, उम्मीदवार पहले ही चुन लिए गए हैं। That's completely eyewash and you know it, ये पूरा धोखा है और तुम ये जानते हो। तो ये है हमारा चौथा idiom, eyewash, यानी धोखा। नेक्स्ट है बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक का मतलब होता है पीठ पीछे किसी की गैर मौजूदगी में। I know he abuses me behind my back। मैं जानता हूं कि वो मेरे पीठ पीछे मुझे गाली देता है।
My office friend is really nice to me, but I don't trust him because I know he talks negatively about me behind my back. मेरा ऑफिस का दोस्त मेरे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में नकारात्मक बातें करता है. How could you hire someone behind my back? आप मेरे पीठ पीछे किसी को कैसे हायर कर सकते हैं, किसी को कैसे रख सकते हैं? तो ये है हमारा आज का पांचवा idiom, behind one's back, यानी किसी के पीठ पीछे किसी की गैर मौजूदगी में. तो उम्मीद है गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले और भी सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते रहें. तो आज के लिए बस इतना ही.